अभी जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज टीओसी। टीओसी की फुल फॉर्म की बात की जाए दैट इज थ्योरी ऑफ ठीक है। अब टीओसी होता क्या है, अगर हम इसकी टीओसी हम क्यों पढ़ रहे हैं, टीओसी हम क्यों पढ़ रहे हैं, टीओसी एक ऐसी हम टीओसी का क्या मतलब, हम एक ऐसी मशीन बनाते हैं जिससे हम क्या करें, मतलब एक ऐसी मशीन की स्टडी करते हैं जिससे हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यानी कि स्टडी मशीन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मतलब मशीन की स्टडी करना ताकि हम क्या कर सके, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ये जो है ये आपकी जो है डेफिनेशन है कि भाई मशीन को पढ़ो ताकि आप जो है पर्टिकुलर प्रॉब्लम को क्या कर सको, सॉल्व कर सको। इतना समझ में आया आपको, ये समझ में आया कि टीओसी हम क्यों पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इससे जो है हम मशीनों के बारे में समझते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को क्या करवा सके, सॉल्व करवा सके। इतना क्लियर है भाई सभी को, इतना क्लियर है, हाँ ना, में जवाब दे दीजिए ठीक है। अब इसमें बहुत सारी टर्म्स का आप यूज करते हो, बहुत सारी टर्म्स हम इसके अंदर यूज करते हैं, जैसे ग्रामर, लैंग्वेज ठीक है, एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, स्ट्रिंग वगैरह का यूज करते हैं ठीक है भाई। मतलब ग्रामर का यूज किया जाता है, लैंग्वेज का यूज किया जाता है, एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो इनको मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि ये क्या होता है। पहले ग्रामर और लैंग्वेज देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि जैसे आपकी हिंदी, हिंदी लैंग्वेज है ठीक है, क्या है भाई, हिंदी लैंग्वेज है। अब हिंदी लैंग्वेज के लिए हम जो है क्या ग्रामर यूज करते हैं, ग्रामर यूज करते हैं कि नहीं, कुछ ऐसे रूल्स रूल्स यानी कि ग्रामर यूज की जाती है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश ग्रामर अलग होती है ठीक है। और हिंदी के लिए तो हमारे एक लिपि भी होती है जिसको अपन देवनागरी बोलते हैं ठीक है, ऐसे ही पंजाबी भाषा के लिए लिपि होती है ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गुरुमुखी ठीक है। तो ये सारी क्या है, इनकी ग्रामर है। वैसे ही हम भी क्या करेंगे, जो हमारी टीओसी की भाषा है उसकी हम क्या सीखेंगे, ग्रामर, क्या सीखेंगे, ग्रामर ठीक है। तो अब जो ये जो हमारी ग्रामर है इसमें कौन कौन सी आ जाएगी, कौन कौन सी आ जाएंगी ग्रामर में, बस एक बार समझते जाओ, एक बार समझते जाओ ठीक है। उसके बाद जो आपके डाउट्स आएंगे, जैसे ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो आपकी रेगुलर ग्रामर हो गई, नाम सुना है ना। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो गई ठीक है भाई, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर हो गई ठीक है, और रिकर्सिव हो गई, और कौन सी हो गई, रिकर्सिव एन्यूमरेबल है ना। ये सारी हमारी ग्रामर है, ये सारी हमारी ग्रामर है। रिकर्सिव ग्रामर के लिए फुल कर देती हूँ स्क्रीन, रिकर्सिव ग्रामर के लिए क्या यूज किया जाता है, रिकर्सिव ग्रामर के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, सेंसिटिव लैंग्वेज, और आपकी रिकर्सिव लैंग्वेज, और आपकी रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज ठीक है। ये चीजें होती हैं, ये आपकी ग्रामर है, ये लैंग्वेजेस हैं जिनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो टीओसी आपका क्या होता है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, मतलब इसकी फुल फॉर्म जो है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हो जाएगी। ये एक ऐसी जो है एक ऐसी मशीनों के बारे में स्टडी करना होता है जिससे हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, सबसे पहले हमने डिस्कस किया ग्रामर और लैंग्वेज। जैसे आपकी हिंदी लैंग्वेज के लिए उसकी ग्रामर होती है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए उसकी ग्रामर होती है, वैसे ही इसके अंदर भी इनकी लैंग्वेज के लिए क्या होगी, ग्रामर होगी, क्या होगी भाई, ग्रामर होगी ठीक है। समझ में आया, इतना समझ में आया भाई ठीक है। और इस ग्रामर से जो आपकी मशीन बनेगी, इस ग्रामर से जो आपकी मशीन बनती है, इस
ग्रामर से जो मशीन बनेगी उसको क्या कहेंगे? ऑटोमेटा। क्या कहेंगे भाई? ऑटोमेटा। एक ऑटोमेटा भी आपने नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं? सुना, फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा पीडीए, ठीक है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एलबीए और ट्यूरिंग मशीन, ये सुनी है ना? ये सुनी है। तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया, पीडीओ हो गया, एलबीए हो गया, ट्यूरिंग मशीन हो गई, मतलब ये जो है ये इस ग्रामर से जो मशीन बनेगी उसको क्या कहेंगे? ऑटोमेटा कहेंगे। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? फटाफट यहाँ तक जो है, फटाफट जो है मुझे हाँ में जवाब दे दो ताकि हम आगे चले। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, आगे देखो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बार चॉम्स्की हायरार्की की बात कर लेती हूँ। चॉम्स्की हायरार्की की बात कर रही हूँ। आपने बहुत बार ये इस तरीके से गोले गोले देखे होंगे। सबसे अंदर होता है आपका, सबसे अंदर होती है आपकी रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है भाई। उसके बाद आती है आपकी सीएसएल, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी सीएसएल लैंग्वेज, और उसके बाद आती है आपकी रिकर्सिव लैंग्वेज, और उसके बाद हमें मिलेगी रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज, ठीक है भाई। इसको बोला जाता है टाइप थ्री, सीएफएल को बोलेंगे टाइप टू, सीएसएल को बोलेंगे टाइप वन, और ये जो होते हैं ये हमारे होते हैं टाइप जीरो, ठीक है भाई। ये टाइप जीरो में हमारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो इनका जो कॉन्टेक्स्ट रहता है वो किस तरीके से रहेगा? सबसे पहले रेगुलर, रेगुलर किसका होगा भाई? सीएफएल का। सीएफएल किसके अंदर आ जाएगी? सीएसएल, और सीएसएल आपका रिकर्सिव, और उसके बाद रिकर्सिव एन्यूमरेबल, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके, ये सबसेट है भाई, ये आपके सबसेट है, इस तरीके से होगा। मतलब जितनी आपकी रेगुलर लैंग्वेज होंगी, रेगुलर लैंग्वेज आपके सबसेट में आ जाएगा। लेकिन सीएफएल से रेगुलर नहीं हो सकते, मतलब सीएफएल से रेगुलर लैंग्वेज बना सकते हैं, लेकिन रेगुलर लैंग्वेज से सीएफएल नहीं बना सकते। रेगुलर से सीएसएल मतलब आपकी नहीं बनेगी, ठीक है भाई। अगर कोई अगर कोई लैंग्वेज आपकी रेगुलर है तो आप बोलोगे कि वो सीएफएल भी है, सीएसएल भी है, रिकर्सिव एन्यूमरेबल भी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सीएफएल है तो आप इसको जो है रिकर्सिव, जो है रेगुलर लैंग्वेज नहीं बोल सकते, ठीक है भाई। समझ में आया? क्योंकि इसका दायरा जो है और ज्यादा है। समझ में आया? इतना क्लियर है? अब जो है, अब जैसे कि मैंने कहा कि भाई इस ग्रामर से जो मशीन बनाई जाती है, इस ग्रामर से जो मशीन बनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? ऑटोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोमेटा कहा जाता है। तो रेगुलर जो है, रेगुलर से हमारा क्या बनेगा? फाइनाइट ऑटोमेटा। ध्यान से समझना इन चीजों को। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से, यानी कि सीएफएल लिख देती हूँ, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, इससे मेरा क्या बनेगा? पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। सीएसएल कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज से मेरा क्या बनेगा? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, ठीक है भाई। और रिकर्सिव से जो हमारे रिकर्सिव और रिकर्सिव एन्यूमरेबल है, रिकर्सिव ग्रामर से मेरा क्या बनेगा? ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। इसमें दोनों आ जाएंगे, रिकर्सिव भी और रिकर्सिव एन्यूमरेबल भी, ठीक है। अब जो फाइनाइट ऑटोमेटा होगा वो पीडीए को भी एक्सेप्ट करेगा, जो है आपका एलबीए भी होगा और आपका टीएम ट्यूरिंग मशीन भी होगा। अब पुश डाउन ऑटोमेटा आपका एलबीए भी होगा और ट्यूरिंग मशीन भी होगा। लीनियर बाउंडेड में आपका ट्यूरिंग मशीन भी होगा, लेकिन अब यहाँ पे यही होगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये ऑटोमेटा आपके यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो बता दीजिए, यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो बता दो। अब इसके बाद बहुत अहम चीज आपको समझाने वाली हूँ। अभी आपको जो है चॉम्स्की हायरार्की समझ में आया होगा, टाइप थ्री, टाइप टू, टाइप वन, टाइप जीरो समझ में आया होगा। ऑटोमेटा क्या होता है, कौन सी लैंग्वेज के द्वारा कौन सा ऑटोमेटा एक्सेप्ट किया जाता है, क्या चीजें हैं, इतना क्लियर है भाई? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? क्योंकि अभी जो मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रही हूँ, दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ने वाले हैं, स्टेट्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है भाई। अब जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ाने वाली हूँ, थोड़ा सा जो है बहुत शांति से और दिमाग से समझना, ठीक है भाई। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। अगर कहीं कभी नहीं भी पढ़ा है तो लगेगा नहीं, ठीक है, कभी पढ़ा नहीं। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है भाई,
फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत मजा आएगा पढ़ते हो। तो सबसे पहला जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज एसे फाइनाइट ऑटोमेटा। ध्यान से समझना, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से मुझे पूछने हैं। अब देखो, एक क्लास है, एक एक स्टूडेंट है, ये मैंने एरो से यहाँ पे क्लास बना दी, ठीक है भाई। यहाँ पे मैंने कैंटीन बना दी दैट इज सीसीडी, और यहाँ पे मैंने प्ले ग्राउंड बना दिया। क्या बना दिया? प्ले ग्राउंड, ठीक है भाई। अब अगर अगर कोई बच्चा क्लास में है, अगर उसको खाना खाना है तो कहाँ पे जाएगा? सीसीडी कैंटीन में जाएगा, ठीक है। कहाँ पे जाएगा भाई? कैंटीन में। अगर उसको प्ले करना है तो कहाँ पे जाएगा? और ये हमारी फाइनल स्टेट है, ठीक है भाई, ये मेरी फाइनल स्टेट है। अगर मुझे खेलना है तो मैं कहाँ जाऊंगी? प्ले ग्राउंड में जाऊंगी ना। अगर मुझे वापस से खाना खाना है, मुझे खेल के भूख लग गई, तो मैं कहाँ जाऊंगी? कैंटीन में जाऊंगी, ठीक है। प्ले ग्राउंड से जो है मेरा जो है पीरियड खत्म हो गया खेलने का, तो मैं वापस, अगर मुझे जो है स्टडी करनी है, ठीक है भाई, मुझे स्टडी करनी है तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्लास रूम में जाऊंगी, ठीक है। और स्टडी करनी है तो क्लास रूम में, खेलना है तो क्या करना है? प्ले करना है तो वापस यहाँ आ जाएंगे। पेट भर गया, वापस से स्टडी करनी है तो यहाँ आ जाएंगे। ये समझ में आया? अब देखो, जहाँ पे जिसके आगे एरो लगी हुई है, जिसके आगे एरो लगी हुई है, ठीक है, जिसके आगे एरो लगी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल स्टेट। क्या बोलते हैं? इनिशियल स्टेट। जिसके अंदर डबल सर्कल है, जिसके ऊपर डबल सर्कल है, दैट इज फाइनल स्टेट। क्या बोला जाता है? फाइनल स्टेट। और ये जो मेरी क्लास हो गई, सीसीडी कैंटीन हो गई, प्ले ग्राउंड हो गई, ये मेरे क्या है? स्टेट है। ये मेरी क्या है? स्टेट्स, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे आपको एक बार समझा देती हूँ। अब ये डायग्राम जो है, यही आपका क्या है, ठीक है। जब भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करेंगे, ध्यान से समझना, ये आपका पूरा क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा। जब भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करेंगे तो उसमें क्या होते हैं? पांच कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं भाई? पांच कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे? पांच, ठीक है। अब मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ कौन कौन से होंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहला कंपोनेंट है आपका स्टेट। यहाँ पे स्टेट्स कौन कौन सी हैं भाई आपकी? आपकी क्लास, तीन स्टेट है, कैंटीन, और क्या है? प्लेग्राउंड। मैंने पीजी लिख रही हूँ, ठीक है, पीजी लिख रही हूँ, आपको समझ आएगा, ठीक है। अब इनिशियल स्टेट कौन सी है? मैंने बोला जिसके ऊपर एरो लगा हुआ है, दैट इज इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगी? क्लास। इनिशियल स्टेट क्या आ जाएगी? क्लास, ठीक है। उसके बाद, इनिशियल स्टेट के बाद फाइनल स्टेट क्या आ जाएगी? फाइनल स्टेट क्या आ जाएगी भाई? प्लेग्राउंड। पीजी लिख रही हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद मेरी इनपुट, इनपुट सिंबल्स कौन कौन से हैं? इनपुट कौन कौन सी है भाई? इनपुट क्या है? ईट, खाना खाना है तो यहाँ चले जाएंगे, स्टडी और प्ले, ये मेरी इनपुट है कि भाई मैं ईट कर रही हूँ, मैंने ये इनपुट दिया तो मैं कहाँ पे पहुंच गई? कैंटीन में पहुंच गई। और एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज ट्रांजिशन फंक्शन। क्या आता है? ट्रांजिशन फंक्शन। क्या होगा? ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन क्या कहता है? कि इस पुरानी स्टेट से, ओल्ड स्टेट से इनपुट के साथ हम कहाँ पे पहुंच गए? नई स्टेट पे। मतलब जैसे मैं क्लास से, अगर मुझे खाना खाना है, ईट करना है, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी? सीसीडी कैंटीन में पहुंच जाऊंगी। तो ये जो मैंने यहाँ पे दिया है, ये ट्रांजिशन फंक्शन है कि भाई एक एक स्टेट से मैं दूसरी स्टेट में पहुंच रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही हूँ। समझ में आया? समझ में आया भाई? समझ में आया? तो ट्रांजिशन फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करवाऊं तो क्या हो जाएगा? क्यू इन टू, ठीक है, ये हमारे सिंबल्स हैं। यानी कि अगर अभी हम, मैं आपको पांच सिंबल बताऊंगी तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहाँ पे चले जाते हैं? मतलब ओल्ड स्टेट से न्यू स्टेट में पहुंच जाएंगे, तो ये मेरी न्यू स्टेट हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगी आपको, अभी आप ये समझो, अभी आप इतना समझोगे। स्टेट मेरी क्लास, सीसीडी, प्लेग्राउंड हो गई। इनिशियल स्टेट मेरी क्लास हो गई, जिसके साथ एरो लगा हुआ है, जिसमें दो लगे हुए हैं सर्कल, दैट इज फाइनल स्टेट, जिसमें इनपुट सिग्नल आपके यही आ जाएंगे, और ट्रांजिशन फंक्शन जो हम ईट दे रहे हैं, तो ये मेरे ट्रांजिशन फंक्शन है। स्टडी दिया तो मेरा ट्रांजिशन फंक्शन है।
यहाँ से प्ले दिया तो ये मेरा ट्रांजिशन फंक्शन है। ये समझ में आया भाई? आई होप मैं आपको बहुत आसान भाषा में ये समझा पाई होंगी कि फाइनाइट ऑटोमेटा में 5 कंपोनेंट होते हैं, स्टेट होता है, इनिशियल स्टेट होता है, फाइनल होता है, इनपुट सिंबल्स होते हैं और आपका ट्रांजिशन फंक्शन होते हैं। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो बता दो। हो गया? सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया भाई? ग्रेट, एक बार फिर से देख लेना भाई, एक बार फिर से देख लेना। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल जीरो से चीजें, हर एक पॉइंट आपको समझा सकूं, जो बच्चे नया है उनको भी ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, अब मैंने कहा कि भाई फाइनाइट ऑटोमेटा में मेरे 5 कंपोनेंट होते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा में 5 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है भाई, तो कौन कौन से हो जाएंगे? क्यू, ये आपका सिग्मा है, इसको हम सिग्मा बोलते हैं, क्यू जीरो, ये आपका इनिशियल स्टेट को दिखाएगा, ये आपका जो है डेल्टा है, और यहाँ पे आपकी फाइनल एफ जो है वो फाइनल स्टेट को डिफाइन करेगा। ठीक है भाई, क्यू जो है, क्यू से हम क्या डिफाइन करते हैं? क्यू से हम डिफाइन करते हैं फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स मैंने अभी आपको बताई थी कौन कौन सी थी, क्लास, कैंटीन और आपका क्या था, प्लेग्राउंड। तो मेरी जो क्यू जो है मेरा क्या बता रहा है, स्टेट्स को बता रहा है, तो स्टेट्स मेरी ये थी। समझ में आया स्टेट्स कौन सी होंगी? उसके बाद जो मेरा ये सिग्मा फंक्शन है वो मेरा क्या बता रहा है, इनपुट्स को, सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, किसको बता रहा है, सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स को बता रहा है। क्यू जीरो जो है वो आपका किसको बता रहा है, इनिशियल, जो आपकी जिसके साथ एरो लगी होती है, स्टार्टिंग में जिसके साथ एरो लगी होगी, दैट इज इनिशियल स्टेट। और ये जो डेल्टा है ये मेरा किसको बता रहा है, ट्रांजिशन फंक्शन को, ट्रांजिशन फंक्शन। और F जो है मेरा क्या बता रहा है, फाइनल स्टेट। ठीक है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताई थी, इनपुट सिंबल्स बताए थे, इनिशियल स्टेट बताई थी, फाइनल स्टेट बताई थी, ट्रांजिशन फंक्शन बताए थे, स्टेट्स बताई थी, तो वही सारी 5 चीज हैं जो हम फाइनाइट ऑटोमेटा में यूज करते हैं। ठीक है भाई, और मैंने इनको एग्जाम्पल के साथ अभी आपको समझाया था। ठीक है, क्या किया था, समझाया था। तो मैंने कहा कि जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है, तो इसमें जो फाइनाइट जो स्टेट्स है, इस स्टेट से हम इनपुट देंगे, क्या देंगे, इनपुट देंगे, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे भाई, न्यू स्टेट्स पे पहुंच जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, न्यू स्टेट। ठीक है भाई, कि मैं इस क्लास पे थी, मैंने इनपुट दिया, मैंने इस क्लास से मैंने क्या किया, इस क्लास के साथ मैंने इनपुट दी और मैं कहाँ पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच। ठीक है, तो मतलब ये जो है ये आपका ये होता है और हम कहाँ चले जाते हैं, न्यू स्टेट पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका ट्रांजिशन फंक्शन, ये आपका क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन, क्या है भाई, ट्रांजिशन फंक्शन। मेरे साथ बार 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 रिपीट करो, चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चीजें आपको क्या करेंगी, समझ में आएंगी। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब मैं आपको से 2-3 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, इतना क्लियर है, इतना समझ में आया, तो बस अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी ताकि आपको जो है एकदम से बर्डन ना लगे। अभी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ ताकि आपको सब कुछ आसान लगे। ठीक है, हाँ जी, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दे दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है आपका, अब मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, विच स्ट्रिंग इट विल एक्सेप्ट,
अब मैं आपको एक चीज बना के दिखा रही हूँ, है ना। मैं अभी यहाँ पे एक चीज बनाऊंगी, आपको जो मैंने अभी आपको पांच शेड बतानी ना, सबको फटाफट बताना है कि किसकी क्या क्या, कौन सी इनिशियल स्टेट होगी, कौन सी फाइनल स्टेट होगी, कौन सी आपकी स्टेट्स होंगी, कौन से ट्रांजिशन फंक्शन होंगे, सारे मुझे आपको बताने एक बार लिख लिख के फटाफट, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये बना दिया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एरो किसके साथ है? Q0 के साथ। जिसके साथ एरो है, जिसके साथ एरो है, हम उसको क्या बोलेंगे? जिसके साथ एरो है, दैट इज इनिशियल। ठीक है, जिसके जो डबल सर्कल में है, दैट इज फाइनल। ठीक है, टोटल स्टेट कितनी है? तीन, दैट इज Q0, Q1, Q2। ठीक है भाई, ठीक है। और आपके इनपुट सिंबल क्या हो जाएंगे? इनपुट हो जाएगा आपका A और B। इनपुट आपका हो जाएगा A और B। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बनाई है, ठीक है, अब ये जो है, क्या ये स्ट्रिंग मेरी ए बी को एक्सेप्ट करेगी? क्या ये जो स्ट्रिंग मैंने बनाई है, क्या ये ए बी को एक्सेप्ट करेगी? क्या ये ए बी को एक्सेप्ट करेगी भाई? Yes, बहुत बढ़िया। कैसे? यहाँ से A गया और यहाँ से B, यानी कि A को accept किया और B को accept करेगा, final state है, तो A B को accept करेगी। उसके बाद next देखो, BA, क्या ये मेरी string BA को accept करेगी? क्या मेरी ये string BA को accept करेगी? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मन तो कर रहा है आप सबके लिए बहुत अच्छे से क्लैपिंग करूं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, बिल्कुल सही है कि ये बी ए बी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ से हम यहाँ आ नहीं पा रहे हैं और ये इस तरीके से बी ए को एक्सेप्ट नहीं करेगी। चलो यहाँ से बी ले लिया, फिर ए ले लिया, फिर बी, और फिर ए पे कहाँ आ जाएगी? वापस Q1 पे आ जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई। देखो भाई, जैसे Q1 से हम कहाँ पे जा रहे हैं? देखो B के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Q0 से Q यहीं पे आना पड़ेगा, क्योंकि B और तो मैं कहीं पे जा नहीं रही हूँ, स्टार्टिंग में मेरा B है, तो मैं यहाँ से यहाँ पे गई, मैंने यहाँ पे B को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है भाई, B आ गया, फिर उसके बाद A आ गया, A मिल गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे B, तो BA, ये मेरी फाइनल स्टेट है। उसके मैं बाद एक और ए को एक्सेप्ट करूंगी, तो मैं वापस कहाँ पहुंच जाऊंगी? Q1 पे पहुंच जाऊंगी। Q1 मेरी फाइनल स्टेट नहीं है, Q1 मेरा फाइनल स्टेट नहीं है, Q1 आपका फाइनल स्टेट नहीं है, तो भाई ये Q1 को एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पे ये आपका ए यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वापस से हमें यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल समझ में आया, ग्रेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कई सारे क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कई सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सब, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि भाई ये क्या है, ये बहुत आसान चीजें हैं। आपको इतना मजा आएगा ना इसको करने में, आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत ही आसान है। ठीक है, इससे आसान तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, दैट इज Q3। कुछ ज्यादा ही बड़ी स्टेट हो गई, गोलधारे ज्यादा ही बड़े हो गए, बी।
हाँ जी, अब मुझे बताओ इनिशियल स्टेट कौन सी है, फाइनल स्टेट कौन सी है, जल्दी से बताइए भाई। थोड़ा थोड़ा एडवांस करती जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा एडवांस करती जा रही हूँ, ताकि आपको जो है चीजें जो है हर एक स्टेप पे समझ में आती रहे। ठीक है, Q1 जो है वो आपकी इनिशियल भी है और Q1 जो है वो आपकी फाइनल स्टेट भी है और Q3 भी आपकी फाइनल स्टेट है। ठीक है, इनपुट सिंबल आपके ए और बी हो जाएंगे और स्टेट आपकी तीन हो जाएंगी, दैट इज Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, ग्रेट। अब मैं यहाँ पे आपको स्ट्रिंग लिखती हूँ, आपको मुझे बताना है कि एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं क्लिक कर रही है। सबसे पहले मैंने लिखा बी बी ए बी, उसके बाद मैंने लिखा बी 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 बी, उसके बाद मैंने लिखा बी ए ए। ग्रेट, बहुत बढ़िया, कर रही है। ठीक है, एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, सेकंड वाला बताओ कर रही है कि नहीं कर रही, क्या चार बी को एक्सेप्ट कर रही है? बहुत बढ़िया। थर्ड वाला बताओ भाई, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है। थर्ड बताओ क्या ये एक्सेप्टेबल है? थर्ड वाला बताइए भाई, क्या ये एक्सेप्टेबल है? ये नॉट, ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए। मन कर, सही में मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके लिए क्लैपिंग करूं, आपको बहुत आराम से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ग्रेट, ठीक है, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ताकि आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये है आपका Q0, ठीक है, ये है आपका Q1 और ये है आपका Q2। ठीक है भाई, यहाँ से B मिला, यहाँ से A मिला और यहाँ से मुझे मिला A, यहाँ से मिला B और यहाँ से हम यहाँ पे गए B के लिए और यहाँ से हम यहाँ गए A के लिए। क्या समझा दूं भाई, क्या समझा दूं? समझ अरे मुझे ये बताओ, Q0 पे ये मेरी फाइनल स्टेट थी, Q0 ही मेरी फाइनल स्टेट थी और Q0 से मैं B पे ही जा रही थी। ठीक है, देखो ये Q0 मेरी फाइनल स्टेट थी, Q0 से मैं कहाँ पे जा रही थी? B पे जा रही थी। तो भाई ये B B B B को चाहे कितने भी B एक्सेप्ट करे, कितने भी B एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्योंकि Q0 से Q0 पे ही जा रहे हैं और Q0 आपका फाइनल स्टेट है, यानी कि मशीन आपकी एक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो भाई हो गया चार भी, पांच भी आते तो भी एक्सेप्टेबल था, एक भी आता तो भी एक्सेप्टेबल था, दो भी आते तो भी थे। समझ में आया? ठीक है, हाँ जी दामिनी, समझ आया? अरे लूप का मतलब ये है कि मैं घूम के वापस Q0 पे ही आ गई, बस इसका क्या मतलब होगा? ठीक है, क्लियर है भाई? अब इस क्वेश्चन पर देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे मुझे बताना है, मैं आपको चार स्ट्रिंग लिख रही हूँ, कौन कौन सी एक्सेप्टेबल है कौन सी नहीं है आपको बताना है। अभी बता रही हूँ भाई, ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बच्चे, सेम क्वेश्चन है। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है भाई, सेम है। अब बस आपको तरीका समझ में आना चाहिए, बस हो जाएगा। अब पहली स्ट्रिंग बोल रही है कि बी और ए, Q0 से बी के लिए कहाँ पे जाऊंगी? Q0 से बी के लिए कहाँ पे चले गए? Q1 पे चले गए। और Q1 से A के लिए कहाँ पे चली जाऊंगी? Q2 पे चली जाऊंगी। और Q2 मेरी क्या है? फाइनल स्टेट है, फाइनल है, यानी कि एक्सेप्ट कर ली।
तो बी और ए, बी और ए मुझे मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, एक्सेप्टेबल है, यस। तो फर्स्ट जो है वो आपकी क्या है, फर्स्ट जो है वो आपकी क्या है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सोनाली ने बहुत सही आंसर दिया है, यस नो यस यस यस, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। सेकेंड आपकी नहीं होगी, सेकेंड आपकी नहीं होगी। चलो मैंने यहाँ से ए को एक्सेप्ट किया, ए के बाद मैंने बी को कर लिया, बी के बाद मैंने ए को कर लिया, लेकिन अब मेरी ये फाइनल स्टेट है, ए बी ए मिल गया, ठीक है। लेकिन एक और एक्स्ट्रा ए, यहाँ से यहाँ आएंगे तो जो है बी आएगा, लेकिन ये फाइनल नहीं है और ए तो मुझे मिल ही नहीं रहा, तो आपका जो है एक्स्ट्रा ये वाला ए मुझे नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। थर्ड की बात करूँ तो थर्ड बी के लिए यहाँ पे चले गए बी, फिर ए, ठीक है, और फिर बी ए यहाँ से मिल गया, फिर वापस बी के लिए यहाँ पे आ गई बी, और वापस ए के लिए यहाँ चली गई, दैट इज ए। तो बी ए बी ए भी आपका क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। अब थर्ड देखो, ए ए ए के लिए मैं यहाँ पे आ गई, ठीक है, ए मुझे यहाँ से मिला, फिर बी बी यहाँ से मिल गया, फिर एक और बी मुझे यहाँ से मिल गया, और फिर इस ए, तो ए बी बी और ए, तो ये भी मेरा एक्सेप्ट, ठीक है। यानी कि ये वाला जो है वो आपका स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगा। मोनिका समझ आया भाई, मोनिका समझ आया, मोनिका बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आपको बस स्टेट्स को जो है जा के चेक करना है कि भाई कौन सा मैं कर पा रही हूँ कि कौन सा नहीं कर पा रही, ठीक है। जल्दी बोलो भाई, फिर आगे हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अब हम आगे आगे कुछ नया सीखेंगे, ठीक है भाई, ग्रेट, बहुत बढ़िया भाई मोनिका। अब मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ी कर रही हूँ और अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे दैट इज क्लीन। एक आपने नाम सुना होगा क्लीन स्टार, ठीक है। क्लीन स्टार जो होता है, जैसे ए स्टार, ए का मैंने स्टार लगा दिया, ठीक है भाई, तो इसका मतलब है ये नल के साथ, नल के साथ मोर अकरेंस ऑफ ए, मतलब नल को भी एक्सेप्ट करेगा और ए की जितनी भी अकरेंस होंगी, ए के जितने भी पेयर बनेंगे उन सबको करेगा। जैसे ए स्टार इक्वल टू लैम्डा, यानी कि नल, ए सिंगल ए डबल ए ट्रिपल ए चार बार ए मल्टी, मतलब कितने भी ए हो सकते हैं, यानी कि अप टू सोन, यानी कि मोर अकरेंस ऑफ ए, ठीक है भाई। क्लीन स्टार आपका ये होता है। इसके बाद आपने देखा होगा प्लस क्लोजर, जिसमें इस तरीके से ए के ऊपर प्लस लगा हुआ है, इसमें ए के ऊपर स्टार है, इसमें ए के ऊपर प्लस लगा हुआ है। अब इसका मतलब है वन और मोर अकरेंस ऑफ ए, ये जो है ये नल को एक्सेप्ट नहीं करता। ए प्लस जो है वो आपका क्या आ जाएगा, ए डबल ए ट्रिपल ए अप टू स्टोन, ठीक है भाई, ठीक है। तो ए प्लस का मतलब ये हो जाएगा, ए जमा बी आपका जो है क्या होता है, या तो ए होगा या फिर आपका ए या बी, या तो ए होगा या फिर बी होगा, ठीक है भाई। अब इतना समझ में आया। अब मैं यहाँ पे आपको बोलू ए स्टार इक्वल टू नल ए, ए अप टू सोन होता है, ए जमा में आपका नल नहीं आता, ए से शुरू होता है, ये होता है, ठीक है भाई। तो ए स्टार में से ए जमा माइनस कर दू, इस ए स्टार में से ए प्लस को माइनस करूं, तो इसमें क्या एक्स्ट्रा है, सिर्फ ये नल एक्स्ट्रा है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नल। इसमें से मैं इसको माइनस, ए स्टार में से ए प्लस को माइनस करूंगी, तो भाई बाकी तो सारी ए की वैल्यू सेम है, बस एक्स्ट्रा क्या है, नल। तो आपको क्या मिल जाएगा, नल मिल जाएगा। अगर ए स्टार में से ए प्लस को माइनस करूं तो आपको क्या मिल जाएगा, नल मिल जाएगा, ठीक है। और ए स्टार आपका किसके बराबर हो जाएगा, नल जमा ए स्टार ए प्लस, सॉरी ए स्टार जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, नल जमा ए प्लस, ठीक है भाई, ठीक है। समझ आया भाई इतना, ये समझ में आया कि क्या है क्लीन स्टार, एक आपका ए स्टार होता है, एक आपका ए जमा होता है, ए स्टार में आपका नल भी आएगा और जितनी अकरेंस है, जो उसे बी स्टार लिखा बी के अकरेंस आ जाएंगे, ए जमा बी लिखा तो ए जमा के बी के जितने पेयर बनेंगे वो आ जाएगा, प्लस वाले में क्या हो जाएगा, नल नहीं आता, बाकी सब आपका सेम रहता है, ठीक है। तो ए स्टार माइनस प्लस करेंगे तो नल आ जाएगा, ए स्टार जो है वो आपका नल जमा ए प्लस के बराबर होता है, यानी कि
अगर आप देखो अगर मैं इसमें लैम्डा ऐड कर दूँ, इसमें लैम्डा ऐड कर दूँ तो ए स्टार नहीं बन जाएगा, नल ऐड कर दूँ तो ए स्टार नहीं बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी ये समझ आया? क्लीन स्टार भाई आपका जो है टीओसी में ही होता है, ठीक है। क्लोजर एक तरीके से प्रॉपर्टी है भाई, ठीक है भाई। अभी यूज करेंगे भाई, अभी हम बहुत सारे अभी हम यूज करेंगे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ कहाँ यूज करेंगे। आपको ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, अभी हम ये लैंग्वेज में ग्रामर में इन सब में ही तो यूज करने वाले हैं, ठीक है। लैंग्वेज ग्रामर बहुत सारी चीजों में यूज करेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे, आपकी स्ट्रिंग्स वगैरह आएंगी, बहुत सारी चीजें, ठीक है। थर्ड थर्ड कौन सा भाई, थर्ड कौन सा है, थर्ड कौन सा है भाई? हाँ इसको नल बोलेंगे भाई, ठीक है। एप्साइलन भी ले लेते हैं, एप्साइलन भी ले लेते हैं नल के लिए, ठीक है। कहाँ पे ए स्टार, यहाँ पे ये वाला ए स्टार माइनस ए प्लस, ये वाला दीदी ए स्टार माइनस ए प्लस वाला, ऊपर वाला मैं इरेज कर रही हूँ। देखो ए स्टार की वैल्यू, ए स्टार में क्या एक्स्ट्रा है देखो, अब माइनस अगर आप किसी चीज में से घटाते हो, अगर 6 में से 4 घटाओगे तो 6 में कितने एक्स्ट्रा हैं, दो वैल्यू एक्स्ट्रा हैं तो वही तो आएगा। ऐसे ही ए स्टार में से जब ए प्लस को माइनस करते हो तो ए स्टार में क्या फालतू है, फालतू क्या है, फालतू क्या है, एक नल ही तो है, नल वैल्यू ही तो फालतू है, तो वो नल वैल्यू आ जाएगी बस, और कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है ए स्टार में, क्योंकि मेरी नल वैल्यू भी होती है, इसमें मेरी नल वैल्यू नहीं होती, ए प्लस में मेरी नल वैल्यू नहीं होती है। निधि समझ आया भाई? आगे देखो भाई, अगर मैं आपको ए जमा बी स्टार लिखूं, इसका मतलब क्या है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का कॉम्बिनेशन होगा और उसमें आपका क्या होगा, नल जो है वो इंक्लूड रहेगा, ठीक है भाई। इतना समझ में? आप देखो भाई, अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं इफ नो फाइनल स्टेट, मैं कुछ बना रही हूँ उसमें मेरी फाइनल स्टेट नहीं है, ठीक है। मैंने ये बनाया इनिशियल स्टेट है और ये है, अगर मेरी फाइनल स्टेट नहीं है तो क्या होगा, अगर मेरा फाइनल स्टेट नहीं है तो क्या होगा भाई, क्या वो एक्सेप्ट करेगी, क्या वो कुछ एक्सेप्ट करेगी, इट विल एक्सेप्ट नथिंग, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इवन नॉट नल, नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, समझ में आया। अगर मेरे पास कोई फाइनल स्टेट नहीं है, अगर मेरे पास कोई फाइनल स्टेट नहीं है तो वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इवन नल वैल्यू को, इवन नॉट नल, नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेकेंड अगर मैं आपको बताऊं, सेकेंड अगर मैं बोलूं इफ फाइनल स्टेट इज अनरीचेबल, अगर फाइनल स्टेट आपकी अनरीचेबल है, अगर फाइनल स्टेट आपकी क्या है अनरीचेबल, लाइक दिस, ये मेरी फाइनल स्टेट है और मैं यहां से यहां आ रही हूं, ठीक है, तो ये क्या एक्सेप्ट करेगी भाई, फाइनल स्टेट अगर मेरी जो है अनरीचेबल है, मैं उसको पहुंच ही नहीं पा रही, मतलब हम यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहे ना, जो है आपकी फाइनल स्टेट से हम यहाँ आ रहे हैं लेकिन यहाँ से हम यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो ये भी क्या करेगी, इट विल एक्सेप्ट नथिंग इवन
नॉट नल, ये भी नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है भाई। ये भी आपकी नल वैल्यू को भी, ये भी नल, ना तो नल को एक्सेप्ट करेगी ना किसी और चीज। अगर मैं थर्ड बोलूं, इफ इनिशियल स्टेट इज फाइनल स्टेट, अगर आपकी इनिशियल स्टेट को हम फाइनल स्टेट बना दे, ठीक है, इनिशियल स्टेट आपकी फाइनल स्टेट हो एंड नॉन फाइनल स्टेट, और नॉन फाइनल स्टेट अगर आपकी अनरिचेबल है तो क्या होगा, अनरिचेबल, मतलब इनिशियल स्टेट को फाइनल बना दो। जैसे ये मेरी इनिशियल स्टेट है, ठीक है भाई, ये मेरी इनिशियल स्टेट है, ये मेरी इनिशियल स्टेट है, ठीक है भाई, और ये मेरी क्या है, ये मेरी क्या है भाई, नॉन फाइनल स्टेट, ठीक है। अब मैं इस पे नहीं जा पा रही, यहाँ से मैं ए और बी पे चली गई, जो है इनिशियल स्टेट से ए बी पे चली गई, ठीक है। अब यहाँ से मैं ए बी पे, लेकिन मैं यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रही हूँ, यानी कि नॉन फाइनल स्टेट आपकी अनरिचेबल है, तो उस केस में क्या होगा, एल जो है वो आपका ई स्टार होगा, ई स्टार यानी कि जैसे ए और बी है तो ये आपका ए और बी का क्या हो जाएगा, स्टार आ जाएगा, ए और बी का क्या आ जाएगा भाई, स्टार आ जाएगा, यानी कि इसमें आपकी नल वैल्यू भी एक्सेप्ट होगी, नल वैल्यू भी एक्सेप्ट होगी, और ए बी के कॉम्बिनेशन की जितनी स्ट्रिंग होगी वो भी एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आया। देखो सुमन, ये फाइनल स्टेट मैंने बोला, फाइनल स्टेट इज अनरिचेबल, अनरिचेबल का मतलब होता है पहुंच से बाहर। अगर आपका कोई नंबर मिला है और वो नंबर आपका पहुंच से बाहर आए तो क्या होगा, आप बात कर पाओगे उस बंदे से, क्या उस बंदे से कांटेक्ट हो पाएगा भाई। अगर आप, अगर आपकी फैमिली को आपसे बहुत अर्जेंट काम है और आपको फोन लगाया जाए और आपका फोन अनरिचेबल आए कि भाई फोन जो है वो अनरिचेबल है, तो क्या आपसे बात हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। सेम यहाँ पे है कि भाई ये आपकी इनिशियल स्टेट है, क्योंकि एरो लगी हुई है, इनिशियल है। अब मुझे बताओ, इस इनिशियल से यहाँ पे जाने का रास्ता ही नहीं है, इस इनिशियल से यहाँ से आप यहाँ जा ही नहीं सकते। आपको एरो दिखाई दे रही है, कोई कोई एरो दिखाई दे रही है, जब हम यहाँ से यहाँ पहुँचा ही नहीं सकते तो किस तरीके से, ये तो पहुँच से बाहर हो गई ना, ये तो पहुँच से बाहर होगी, दैट्स इट, ठीक है। पहुँच से बाहर है तो क्या है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बस। तो ये आप इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये पहुँच से बाहर है भाई, ठीक है। जैसे आपका फोन आपका पहुंच से बाहर है, आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो सेम इसमें भी यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है, ये भी आपका अनरिचेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड वाला देखो, इफ इनिशियल स्टेट इज फाइनल, ये आपकी इनिशियल स्टेट है, यानी कि जिसके साथ एरो लगी होती है दैट इज इनिशियल, और उसके साथ मैं डबल सर्कल कर दूं तो ये आपकी क्या बन जाएगी, इनिशियल के साथ फाइनल बन गई। और क्या बोल रहा है कि नॉन फाइनल स्टेट, नॉन फाइनल है क्योंकि सिंगल सिंगल मैंने सर्कल लगाया, ठीक है। नॉन फाइनल स्टेट आपकी क्या हो जाएगी, अनरिचेबल है, ठीक है भाई, क्या है, अनरिचेबल। अब मुझे ये बताओ, मैंने जैसे कि कहा कि भाई अगर आपको, अगर आपका फोन अनरिचेबल और आपसे कोई बात करना चाहे तो क्या बात हो सकती है, नहीं हो सकती। सेम केस है कि भाई जब मैं इनिशियल से यहाँ पे जा ही नहीं सकती, मेरा यहाँ से यहाँ एरो दिखाई ही नहीं दे रहा भाई, यहाँ से यहाँ कोई है ही नहीं रास्ता जाने का, तो आप किस तरीके से चले जाओगे, यहाँ पे जा सकते हो नहीं। तो इस केस में यहाँ से यहाँ ए और बी इस तरीके से जब हो तो ये आपका क्या है, एनी नंबर ऑफ, मतलब ए और बी के एनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी इंक्लूडिंग नल। ए बी का स्टार आ गया ना, तो स्टार में मैंने क्या बताया था, नल भी होगा और ए बी के जो है, ए बी के कॉम्बिनेशन ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये आप डेड स्टेट बोल सकते हो, बिल्कुल ये आपकी डेड स्टेट है क्योंकि किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है, ठीक है। हाँ जी, समझ में आया भाई, जिस जिस बच्चे को सेकंड और थर्ड में डाउट था, समझ आया भाई। अरे भाई, डेड में समझाऊंगी, यहाँ पे डेड का नाम मत लो, डेड पे मैं अभी नहीं आई हूँ, पल्ला भी मत लो भाई, डेड स्टेट में अभी डिटेल में समझाऊंगी, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं सीक्वेंस वाइज चीजें समझाऊंगी, ठीक है। डेड स्टेट आएगी, मैं बताऊंगी क्या होती है, डेड को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी सारी चीजों को, ठीक है।
ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, डैड को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ डैड को। बस अभी जितना बता रही हूँ जिस तरीके से, आप ये समझो कि ये केसेस होते हैं जब हम इनको बनाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैंने स्टार्टिंग में आपको तीन चार टर्म बताई थी। क्या बताया था? लैंग्वेज बताया था, ग्रामर बताई थी, स्ट्रिंग बताई थी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था? एक्सप्रेशन बताया था। ठीक है, क्या बताया था? एक्सप्रेशन बताया था। ठीक है, लैंग्वेज आपकी कौन सी हो जाएगी? जैसे कि मैंने कहा लैम्डा ए बी, ए बी ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी क्या हो जाएगी? लैंग्वेज। ठीक है, तीनों स्टेट क्या बोल रहे हो भाई? लास्ट पॉइंट कौन सा बताना है? ये तीनों स्टेट क्या प्रिडिक्ट करती हैं? अरे भाई, अगर आप अभी आपको जो है बहुत बड़े बड़े भारी भरकम क्वेश्चन बनाने आएंगे, स्टेट आपकी ये प्रिडिक्ट करती है कि आप स्ट्रिंग कौन सी एक्सेप्ट कर रहे हो, कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये प्रिडिक्ट कर रही है। और क्या करेंगी भाई? अब ये समझा दूं, ये लैंग्वेज ग्रामर स्ट्रिंग एक्सप्रेशन समझा दूं। देखो, अगर आप एस से ए और बी पे जाते हो, ठीक है, या फिर आपका नल, ए से आप ए पे और ए बी पे जा सकते हो, और बी से आप बी पे जा सकते हो। देखो, ये मेरी ग्रामर है भाई, इस तरीके की ग्रामर देखी है आपने लिखी हुई? इस तरीके की ग्रामर देखी है किसी ने? बस मुझे हाँ ना में जवाब दो। इस तरीके की ग्रामर किसी ने लिखी हुई देखी है कि ऐसे मैं ए और बी पे गई, यहाँ से आपको नल भी मिल जाएगा, यहाँ से आप नल को एक्सेप्ट कर लोगे, फिर ए से मुझे इस ए मिला, ठीक है, और जो है ए से मुझे मतलब या तो इस ए पे भी जा सकते हो या फिर इससे भी जा सकते हो। तो यहाँ पे जो कैपिटल ए भी है ना, जो कैपिटल ए भी है, ये आपके क्या है? वेरिएबल्स। ये आपके जिसको अपन नॉन टर्मिनल भी बोल सकते हैं, मतलब फर्दर ये जो है वो आपके एक्सपैंड होंगे। ठीक है, और एक आपके जो है स्मॉल स्मॉल लेटर में जो लिखे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल, कि भाई इनके बाद इनका डेड एंड है, इसके बाद आप आगे और कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, अब ये जो लैंग्वेज है ये क्या एक्सेप्ट कर रही है? नल को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, नल के बाद किसको कर रही है? एक सिंगल ए बी को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, ए बी बी को एक्सेप्ट कर रही है। तो ये स्ट्रिंग आपके ये इसकी क्या बन जाएगी? लैंग्वेज बन जाएगी। कैसे कैसे एक्सेप्ट कर रही है? एस, एस से आप कहाँ पे गए? ए और बी के पास। एस ये वाला एस था, इससे मैं एक तो ए के पास गई और बी के पास गई। ठीक है, और ये वाला इस ए से मैं कहाँ जा सकती हूँ? ए के पास और बी के पास। ठीक है भाई, ठीक है, तो ए से तो आपका ए हो जाएगा, और बी से हम कहाँ पे जा रहे हैं? बी के पास। ठीक है, और इस बी से हम कहाँ जा रहे हैं? इस बी। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आया? तो यानी कि ए और बी एक्सेप्ट हो गया, ए बी बी आपका एक्सेप्ट हो गया और नल एक्सेप्ट। तो यानी कि ये इस तरीके से लिखी हो तो ये आपकी ग्रामर होगी, इस तरीके से लिखी हो तो उसको हम क्या कहेंगे? लैंग्वेज कहेंगे। समझ में आया? अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर आपका इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है भाई, ठीक है, अगर ये आपका इस तरीके से लिखा हुआ है दैट इज ग्रामर, इस तरीके से लिखा हुआ है तो लैंग्वेज। ठीक है भाई, ये वाला आपको आपको ना अपने जो पास्ट ट्री वगैरह जनरेट करेंगे तो इस तरीके से ट्री आपको वहां पे दिखाई देंगे, है ना, जब हम कंपाइलर पढ़ेंगे ना तो इस तरीके से आपने देखा भी होगा, है ना, तो हम वहां पे देखेंगे। अब स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? स्ट्रिंग यहाँ से मेरी क्या क्या स्ट्रिंग आई है? ए बी, और क्या है? ए
बी सी। ठीक है भाई, ठीक है, क्या आया? ए बी आई स्ट्रिंग और ए बी बी आया। ठीक है भाई, एक्सप्रेशन मेरी क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन मेरी क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन मेरी क्या हो जाएगी, लैम्डा ए बी ए बी बी, क्योंकि यहाँ पे और कुछ नहीं बन रहा है एक्सप्रेशन में, जैसे ए प्लस बी का स्टार, अगर यहाँ पे ना यहाँ पे अगर और ये लंबी बनती है और बी का कॉम्बिनेशन होता तो इस तरीके से आपका ये आ जाता। ठीक है भाई, ठीक है, इस तरीके से आ जाता ए ए स्टार बी। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाएंगी, एक्सप्रेशन में। हाँ, ये वाली चीज जो चीजें हैं ये आपका किस में आ जाता है, एक्सप्रेशन में, जीरो वन, जीरो वन का स्टार, तो ये सारा आपका किस में आ जाएगा, एक्सप्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? लैंग्वेज क्या है, ग्रामर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, इतना समझ में आया भाई, इतना समझ में आया? ठीक है, ओके okay, अभी इसी के बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसी के बिहाफ पर कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसी के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे भाई, कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर। ठीक है, एस से बी एस पे गए, ए ए मिला और बी मिला। ठीक है, इसके बाद इस ए से ये बी मिला, ए मिला, ए और बी मिला। ठीक है भाई, बी से मुझे क्या मिल रहा है, बी बी मिल रहा है। ठीक है, ए एस मिल रहा है और ए मिल रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, तो बताओ भाई यहां से मुझे कौन सी स्ट्रिंग मिल रही है, बताओ कौन सी स्ट्रिंग मिल रही है भाई, स्ट्रिंग बताओ कौन सी मिल रही है, ये मेरी ग्रामर है और इससे मुझे बताओ कौन कौन सी स्ट्रिंग मिल रही है। सबसे पहले बी एक्सेप्टेबल है, सबसे मिनिमम अगर हम देखें तो बी आपका एक्सेप्ट हो रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद ए ए एक्सेप्ट हो रहा है, पल्लवी ए ए एक्सेप्ट हो रहा है भाई, पल्लवी ए ए एक्सेप्ट हो रहा है क्या, बी बी हो रहा है, बी से बी हो रहा है, क्या दो बार ए एक्सेप्टेबल है, तीन बार ए होगा भाई। देखो ऐसे आप ए और ए पे गए, ठीक है, ए और ए पे गए, अभी इसे ए के लिए अगर आपको फिर से ए चाहिए तो ए ए बी हो गया, और इस बी से आपको क्या मिल जाएगा, तीन बार ए आ रहा है, दो बार ए तो नहीं आ रहा भाई। ठीक है, ठीक है, समझ नहीं आया? अरे भाई सीधी सी बात है, इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। देखो इस मैंने क्या बोला था, जो कैपिटल लेटर में होते हैं, जो कैपिटल लेटर में होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कैपिटल लेटर में जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नॉन टर्मिनल होते हैं, यानी कि फर्दर हम उनको एक्सेप्ट कर, मतलब फर्दर हम उनको क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, और जो स्मॉल लेटर में होते हैं उनको क्या कहते हैं, टर्मिनल, क्या कहा जाता है, टर्मिनल, कि दी एंड है। अब यहाँ पे टर्मिनल क्या है, मेन मेरा क्या है, मेन यहाँ पे क्या है, एस, ऐसे ही सारे कैटेगराइज हो रहे हैं, ऐसे मेरे सारे निकल रहे हैं, तो ऐसे मैं मिनिमम क्या कर सकती हूँ, ऐसे मैं मिनिमम बी पे जा सकती हूँ, यानी कि मिनिमम जो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है दैट इज बी बी। उसके बाद इस ऐसे मैं कहाँ पे जा सकती हूँ,
बी और ये एस मिल गया। इस ए को, इस एस को मैं फर्दर एक्सपैंड करूँ, दैट इज बी और बी, तो मुझे नेक्स्ट टाइम क्या मिलेगा, बी और बी मिल गया। मिला कि नहीं मिला, कहाँ गया भाई, वंश, वंश, समझ में आया। उसके बाद इस एस से मैं इस ए और ए पे जा सकती हूँ, इस ए और ए पे, इस ए से मैं कहाँ जा सकती हूँ, इस बी और ए पे जा सकती हूँ, इस बी गया फिर ए गया। इस ए को फर्दर फर्दर करेंगे, फर्दर करने के लिए क्या, फर्दर करने के लिए वापस ए बी, ए और बी, और इस बी बी से मिनिमम क्या जनरेट हो रहा है, ए, तो स्ट्रिंग क्या होगी, ए बी बी बी, ए बी ए। तो इस तरीके से कितनी सारी आएंगी, इस तरीके से बहुत सारी आएंगी, इस तरीके से आपकी बहुत सारी आएंगी, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे, यहाँ पे देखो तीन ए आ रही है, तीन ए आ रही है, बी आ रहा है सिंगल, डबल बी आ रहा है, तीन बार ए आई, ए बी ए ए आया। तो यहाँ से मतलब यहाँ पे जितना भी आपका बनेगा ना, जितना भी आपकी स्ट्रिंग बनेगी वो क्या बनेगी, मल्टीपल ऑफ थ्री। ए जो है वो आपका किसका मल्टीपल होगा, थ्री का, या तो आएगा ही नहीं, यानी कि जीरो जीरो थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व, मतलब जो थ्री होगा वो आपका किसका मल्टीपल होगा, तीन का। इसके बाद आपका अगली बार अगर आप स्ट्रिंग को और बड़ा एक्सपैंड करोगे तो आपको छह ए दिखाई देंगे, कितने छह मिलेंगे, कितने ए मिलेंगे, छह। समझ में आया भाई, समझ में आया। देखो आपका यहाँ पे बी आया, डबल बी आया, फिर तीन बार आया ए आया, यहाँ पे भी तीन बार ए आ रहा है, और फर्दर और एक्सपैंड करोगे तो यानी कि मल्टीपल ऑफ थ्री में आपका जो है ए की वैल्यू आ रही है, ठीक है, समझ में आया भाई। हाँ जी, समझ आया, नेक्स्ट देखो भाई, दो चार एग्जांपल करोगे समझ में आएगा। एस से हम गए ए एस ए पे, ठीक है, बी एस बी और ए और बी, बताओ भाई यहाँ से क्या स्ट्रिंग जनरेट होगी, यहाँ से आपकी कौन सी स्ट्रिंग जनरेट होगी, नीरू ये वाला क्वेश्चन देखो फिर अपन देखेंगे, है ना, सेम है भाई, आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हो, सीधी सी कहानी ये है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। इस एस से आप कहाँ कहाँ गए, इस एस से आप ए एस और ए, ठीक है, क्योंकि ये आपका नॉन टर्म, ये तो आपके टर्मिनल है, ये आपका टर्मिनल है, लेकिन नॉन टर्मिनल आपका क्या है, एस। इस एस से आप ए पे जा सकते हो, ठीक है भाई, तो यानी कि तीन बार ए आपका आ गया, ठीक है, मिनिमम ए आ रहा है, बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, ठीक है। इस ए से आप यहाँ पे भी जा सकते थे, इस एस से आप यहाँ पे भी जा सकते थे, दैट इज बी एस और बी, और इस एस से आप यहाँ पे भी जा सकते थे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपकी यहाँ पे ओल्ड लेंथ की, ओल्ड लेंथ की स्ट्रिंग बन रही है, क्योंकि सारा आपका या तो ए आ रहा है, बी आ रहा है, इवन लेंथ नहीं आ रही, आपकी सारी जो स्ट्रिंग बन रही है दैट इज ओल्ड लेंथ की स्ट्रिंग बन रही है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ से बताओ क्या बन रहा है, यहाँ से बताओ क्या बन रहा है,
सॉरी भाई, बी आएगा, ये बी आएगा भाई, ये बी आएगा भाई, क्योंकि मैं बी का टर्मिनल आपको बताना भूल गई, ये बी आएगा भाई। एस से ए बी पे गए, ए एस पे गए, एस से जो है ए और ए पे गए, और बी से बी पे। अब बताओ बी क्या आएगा, ये आएगा। हाँ ए ए ये ए है भाई, ये बी है, गलती से मैं यहाँ पे एस एस लिख दी। ठीक है ठीक है, तो ये आपका ए है, ये आपका बी है। देखो एस से गए, ए और बी मिला, इस ए से यहाँ पे ए पे आ गए, बी से बी पे आ गए, तो मिनिमम जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है दैट इज ए बी। ठीक है, उसके बाद एस से ए पे गए, एस पे गए, ठीक है, इस ए से ए और ए पे जा सकते हो, ठीक है भाई, ठीक है, और एस से किस पे जा सकते हो, एस से वापस, और ए और बी पे जा सकते हो, ठीक है भाई, ए से तो ए मिल गया, इस ए से ए मिल गया, इसे से फर्दर ए मिल गया, और बी से आपको क्या मिला, बी। ठीक है, आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ए बी आया, उसके बाद तीन बार ए फिर बी आया, यानी कि इसमें आप जितने भी बनाओगे ना, इसमें आप जितने भी बताओगे, स्टार्टिंग और एंडिंग फिक्स है। स्टार्टिंग जो है वो किससे होगी, ए से होगी, और जो एंड होगा वो किससे होगा, बी से। ठीक है भाई, और बीच में क्या आएगा, ए के कॉम्बिनेशन आएंगे, ए के कॉम्बिनेशन आएंगे, तो इसको स्टार्टिंग फिक्स है, एंडिंग फिक्स है, और बीच में क्या आ रहा है, ए के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे बीच में लगा देंगे ए स्टार। तो ए ए स्टार बी, क्योंकि ए बी तो आपका आएगा ही आएगा हर स्ट्रिंग के अंदर, ए जो है वो आपका आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है भाई, तो ए स्टार का कॉम्बिनेशन आपका आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ए स्टार बी नहीं होगा भाई, ए स्टार बी का मतलब है कि मिनिमम जो यहाँ पे स्ट्रिंग जनरेट हो रही है दैट इज बी, लेकिन यहाँ पे मिनिमम जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है दैट इज ए और बी। ए बी आपकी जो है मिनिमम स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, आपका ए स्टार बी का मतलब है कि सिर्फ आपका बी आ रहा है, मिनिमम जो जनरेट हो रहा है दैट इज बी, क्योंकि ए स्टार जो है वो नल को भी लेता है। ठीक है ठीक है भाई, समझ में आया, तो ए और बी आपका फिक्स रहेगा, बीच में ए स्टार लगाएंगे, या तो नल भी हो सकता है, उसके बाद एक सिंगल भी, डबल भी, इस तरीके से। ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं करवाऊंगे नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं करवाऊंगे नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा। ए या बी इनमें से एक, मैम आज के बहुत, हाँ आज के लिए इससे ज्यादा नहीं करेंगे, इनमें से एक, कौन सा एक भाई, भाई पहले टीओसी कर लो, पहले टीओसी और कंपाइलर कर लो, उसके बाद है ना, उसके बाद फिर जो है टेस्ट कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ए जमा बी का मतलब है ए और बी, ए ए और बी, ए और बी, ठीक है, हाँ सिलेबस कंप्लीट करवा दो। देखो भाई, यहाँ से जो यहाँ ये समझ में आया कि ये जो स्ट्रिंग जनरेट कर रही है
वो स्टार्टिंग ए से हो रही है, मतलब स्टार्टिंग जो है स्ट्रिंग की ए से हो रही है और एंडिंग जो है वो किससे हो रहा है, बी से। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, स्टार्टिंग किससे हो रही है, ए से, एंडिंग किससे हो रही है, बी से। ठीक है, तो और बीच में क्या हो रहा है, बीच में ए की रिपीटेशन हो रही है, तो उसके लिए हमने ए और बी तो फिक्स रखा और बीच में हमने क्या लगा दिया, ए स्टार लगा दिया। ए चाहे वो 0 बार आए, चाहे वो 1 बार आए, चाहे वो 2 बार आए, चाहे 3 बार आए, जितनी बार लेना चाहे हम उसको ले सकते हैं, इसलिए हमने स्टार लगा दिया। ठीक है, यानी कि ये जो ए स्टार है वो आपका क्या कर रहा है, नल, और क्या कर रहा है, मोर अक्रेंस ऑफ ए, उसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, फ्रेश माइंड से करना। ठीक है, आज बहुत हो गया शायद। हाँ, टीओसी का फोल्डर एम्प्टी है, टीओसी के फोल्डर में कुछ भी नहीं है, अभी अपडेट करूंगी। ठीक है, कल सुबह लेंगे भाई, कल सुबह क्लास लेंगे, मॉर्निंग में रख लें, मॉर्निंग में रख लें 7 AM। हाँ, ए स्टार जो है वो आपका ए जमा के बराबर होता है, ए डॉट ए का स्टार जो है वो आपका ए जमा के बराबर होता है। ठीक है, होगी भाई क्लास, होगी क्लास, होगी, कोशिश करेंगे टीओसी को भाई ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दें, कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करना। नहीं 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 6 बजे तो नहीं, ठीक है 11 बजे जो अपना टाइम है ना, 11 PM उसी पर डन करते हैं, 11 बजे। ठीक है, डन, ठीक है भाई, 11 बजे, ओके।